हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद अर्चिता। फ्रेंड्स, जब मेरी न्यू मैरिज हुई थी तो ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा फर्नीचर थे और ना ही कोई डेकोरेटिव आइटम, तो मैं अपने घर को कुशन से सजाती थी। कुशन, मुझे लगता है कि कुशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने घर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं। हम इन कुशन को जहाँ पे भी प्लेस करते हैं, चाहे वो हमारा बेड हो, हमारा सोफ़ा हो या हमारे घर का सीटिंग लोअर सीटिंग अरेंजमेंट हो, ये उस प्लेस को बिल्कुल कुशन कवर इन्हेंस कर देता है उसकी ब्यूटी को। मुझे लगता है कि कुशन जो है काफ़ी किफ़ायती और डेकोर आइटम है, जो कि काफ़ी मतलब नॉर्मल रेट पे भी मिल जाते हैं हमें, और जिस जगह पे भी हम इन्हें प्लेस कर दें वो जगह बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने कुछ कुशन कवर कलेक्शन। चलिए, ये है फ्रेंड्स 12x12 का कुशन। इसको जो है ये पीस ऑफ 5 है और ये मल्टी कलर में है। ये देखिए, ये लग कर के कैसे लगते हैं। ये देखिए, ये सेट ऑफ 5 है। मेरा चूँकि 5 सीटर सोफ़ा है, इसलिए मैं इनको पांचों पे जो है इसका 1-1 पीस लगाती हूँ। ये देखिए 3 पीस इस पर कैसे लग रहे हैं। मेरा सेकंड कलेक्शन में मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड कलेक्शन मेरा है ये हार्ट शेप कुशन है। ये भी सेट ऑफ 5 है। ये वाले मैंने अमेजोन से मंगवाए थे। इनको मुझे लग रहा है ये हो गए होंगे शायद 2 ईयर बैक, ये 2 साल पहले के हैं। ये तो उनसे भी पुराना मेरा कुशन कवर है। और जो है ये भी सेट ऑफ 5 थे। ये भी शायद अमेजोन से ही मैंने मंगवाए थे, शायद मुझे नहीं, ये वाला मैंने लोकल मार्केट से लिया था। ये देखिए, ये लग करके कितने खूबसूरत लगते हैं। सिंपल सा ही मेरा ये सोफ़ा है, सोफ़ा कवर, और देखिए ये कितने खूबसूरत लगते हैं। नेक्स्ट है 12x12 का ही साइज है ये। ये एक्चुअल में ये हाइलाइटर कुशन कवर है, सॉरी कुशन है, ये कुशन नहीं है, ये हाइलाइटेड कुशन है। और ये 200 का 1 पीस था। ये भी जो है मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले का ही है। और ये मैंने विशाल मेगा बार्ट से लिया था। ये देखिए, ये लग करके कितने खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए, इनकी साइज भी 12x12 ही है। ये बैक में जो लगे थे ये भी 12x12 ही है। और अब छोटे कुशन में एक ये है किड्स रूम में रखने के लिए। ये तो बच्चों ने ही अपने आप ही ले लिया था, मॉल जाते हैं वहां से ले लिया था। ये राउंड शेप में है, ऐसा ही सेम एक और पीस है। ये भी मैंने सेट ऑफ 2 ही लिया था। एक ये है, ये भी 12x12 का है। ये आप मेरे बेडरूम टूर वाले ब्लॉग में जो है आपने इन कुशनों को देखा होगा मेरे। और ये भी 12x12 है, ये भी अमेजोन से लिया था। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम बेड पे भी और सोफे पे भी जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। थर्ड है, सॉरी नेक्स्ट है ये। ये कुशन कवर भी मैंने, ये मतलब इसका सेट ऑफ 2 था। इस कुशन कवर का ये सेट ऑफ 2 था। ये भी मैंने विशाल मेगा मार्ट से ही लिया था। और इसका साइज 14x14 है। हम कुशनों को आगे छोटा और पीछे बिग साइज का लगाएं तो वो बिल्कुल बहुत ही मतलब काफी अच्छा लगता है। और हमको अपने घर में, मुझे ऐसा लगता है कि मल्टी कलर के कुशंस को, जैसे कि ये मेरे मल्टी कलर के कुशन है या हार्ट शेप वाले हैं, इनको अपने घर में जरूर प्लेस करना चाहिए। चलिए, अब मैं आपके सामने जो कुशन कवर
आपको शो कर रही हूँ और वो 16x16 होंगे, ये वाले 12x12 थे जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही थी। अब जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनका साइज होगा 16x16। इनको हम इस तरीके से, ये भी सेट ऑफ 5 है, इनको इस तरीके से हम प्लेस कर सकते हैं। दिखाती हूँ, ये देखिए, ये सेट ऑफ 5 है, 3 इसमें प्लेन है और ये 2 जो है इस तरीके के हैं हाइलाइटर, ये हाइलाइटर का यूज करते हैं इनसे। ये देखिए, और देखिए फ्रेंड्स, अब जो है कुछ जो है एथनिक लुक में है, जैसे कि जिनको हम अपने फेस्टिवल पे जो है दिवाली है या कोई फेस्टिवल है उनके उस ओकेजन के हिसाब से। ये देखिए, ये भी सेट ऑफ 5 है और ये भी 16x16 का था, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। ये देखिए, ये भी सेट ऑफ 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 16x16 का है, ये देखिए, और ये जो इसमें पिकॉक के फैदर बने हुए हैं, मुझे इस तरह का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो है ये कपड़ा जो है इसको देखिए आप, जूम करिए, इसको आप देखिए, ये जो है जूट वाला कपड़ा है, ये मैंने अमेजोन से ही लिया था, ये भी काफी पहले का ही है। और ये जो है जूट वाला कपड़ा जो होता है ना, कैनवस क्लॉथ भी इसको बोलते हैं, ये उसका है और ये भी काफी अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कवर है ये भी 16x16 का ही है, पर ये मतलब जब ये नया था तब तो ये बहुत खूबसूरत था, पर इसका जो है समय के साथ जो है ये जो है बिल्कुल गोल्ड कलर का था तो इसकी पॉलिश निकल गई, इसलिए जो है मुझे ये बहुत पसंद नहीं आया है, क्योंकि कुशन कवर जो है ऐसे होने चाहिए जैसे कि ये है, ये बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए है, ये बहुत अच्छा, इसका ये जो फैब्रिक होता है ये बहुत अच्छा है, या वेलवेट वाले भी बहुत अच्छे निकलते हैं, जितने भी मेरे पास हैं सारे ही बहुत अच्छे लगे, मतलब निकले हैं सारे कुशन कवर, बट एक ये वाला था जो मुझे सही नहीं लगा, इसकी सारी गोल्डन पॉलिश जो थी ये निकल गई, अब मैं इसको लगाती भी नहीं हूँ। अब जो है फ्रेंड्स, मैं हाँ, 2 मेरे पास और रह गए थे 12x12 के, जो मैं आपको सबसे लास्ट में जो हूँ इसलिए शो करना चाहती थी, क्योंकि वो मैं अभी आपको बताई थी ना, मेरी जब मैरिज हुई थी तो मैं सबसे जो है ना डेकोर आइटम थे ना ही ज़्यादा फर्नीचर थे, तो मैं जो हूँ कुशन से ही डेकोर करती थी। तो मैं आपको एक पीस दिखा रही हूँ, ये सेट ऑफ 5 कुशन कवर था और ये मेरे शादी के बाद का सबसे पहला डेकोर आइटम था, इसलिए मैं इसको आपको सबसे लास्ट में दिखा रही हूँ। ये 12x2, ये भी सेट ऑफ 5 है,
और दो क्वेश्चन कवर ये 12x12 के ही हैं, ये भी काफी पहले का ही है, बच्चों के रूम के लिए, बेटी के रूम के लिए, ये भी सेट ऑफ टू। ये देखिए ये लगकर कितने खूबसूरत लगते हैं, ये शायद बिग बाजार से मैंने लिए थे। ये इस तरीके से हम बिग कुशन को पीछे करके आगे उसके छोटे कुशन लगा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जो है लगा सकते हैं और ये काफी खूबसूरत लगता है, इसलिए हमें अपने जो हमें कुशन कवर का कलेक्शन करना चाहिए वो जो है हमें अपने घर में बड़े और छोटे दोनों साइज के कुशंस को रखने चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अच्छा लगता है। आजकल वो सीक्वेंस वाले भी कुशन चले हैं कुशन कवर, पर वो बहुत डेलिकेटेड होते हैं, वो ओकेजनली लगाने के लिए ठीक है, और मेरे घर में तो बच्चे हैं इसलिए मैंने उनको अभी अपने घर में मैंने प्लेस नहीं किया है। लेकिन कुशन सीक्वेंस वाले जो कुशन होते हैं उनके साथ सारे सीक्वेंस वाले ही कुशंस अच्छे लगते हैं। और अब तो इस रेक्टेंगल शेप के भी जो है हाइलाइटर कुशन कवर आ गए हैं, उनको आप अपने बेड पे पीछे बड़े वाले लगा के फिर सबसे आगे वो रेक्टेंगल वाले छोटे वाले एक या दो भी लगा लें तो वो भी हमारे बेड को काफ़ी इन्हेंस कर देता है, बहुत ही खूबसूरत बना देता है हमारे बेड को। और अगर आपको जो है मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज फ्रेंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।